जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, बहुत आभार है। आज हम बात करने वाले हैं, कौन है तुम्हारे साथ। ये विषय इसलिए चुना है कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारा कोई साथ नहीं देता, हमें लोग धोखा दे देते हैं, हमारे आर्थिक रूप से हम हानि पहुँचा देते हैं, और न जाने कितने सारे कमेंट्स साथ के रिलेटेड हैं कि लोगों को परेशानी है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके बहुत सारी चीज़ें और आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द आपको नए नए और अच्छे अच्छे यूनिक टॉपिक और मिलते रहेंगे। साथ ही आप मुझसे बात करना चाहते तो व्हाट्सएप पर आप स्क्रीन पर चल रहे हैं वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। शुल्क लागू, नॉमिनल शुल्क है, लेकिन एक बार ज़रूर बात करें, आपको कुछ सकारात्मक रास्ता जरूर निकलेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, लोगों से उम्मीद न करें। उम्मीद जितनी जिससे करोगे वो तकलीफें बढ़ती ही है, इसलिए उन्हें अच्छी बात सिखाना, अच्छी चीज़ें कहना, खासकर पारिवारिक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके हाथ में है, सिर्फ आप वही कर सकते हैं। कुल मिला के आप अच्छे कर्म करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, न कि उनके हाथ पकड़कर उनसे अच्छे कर्म करा सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति की अपनी नीयत होती है और वही नीयत उसकी नियति का निर्माण करती है, उसे क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और क्या चीज़ें नहीं मिलने वाली। अब यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि बहुत से खराब लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और बहुत से अपात्र लोगों को भी बड़ी बड़ी चीज़ें मिली हैं। तो उसमें एक बात ये जान लीजिएगा दोस्तों कि हर एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता होती है, और बौद्धिक क्षमता के हिसाब से शांति जो होती है, मन शांति, आत्म शांति, और जितनी भी हमारी शांति जो होती है, सुकून जो हमें मिलता है, वो हर एक बौद्धिक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। बहुत से लोगों के लिए नशा एक शांति है, बहुत से लोगों के लिए अलग अलग चीजें एक शांति है। तो वो जो नेचुरल शांति है उससे कहीं दूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत और सही रास्ता नहीं अपनाया है। उस वजह से ये प्राकृतिक उनको कभी भी फॉलो, प्राकृतिक रूप से उन्हें कभी भी पॉजिटिव वेव नहीं मिलने वाली है, ये बात आप जान लीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से सच्चाई के साथ कोई काम कर रहे हैं तो पूरी प्रकृति आपके साथ है और आपके पास एक संतोष और आपके पास आत्मी शांति होगी, और आत्म शांति बहुत बड़ी शांति होती है। जीवन में चाहे कितना उथल पुथल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आत्मा में शांति है, सुकून है, तो आप बड़ी से बड़ी परेशानी से डील कर लेंगे, बहुत सी चीजों से आप बाहर निकल आएंगे। और बिल्कुल घबराए नहीं, लोग धोखा देंगे, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है धोखा देना, और ईश्वर पर यकीन करना शुरू करें और उसी से मतलब रखें। इंसानों पर, सिर्फ और सिर्फ इंसान जो हैं वो बहुत से अच्छे इंसान भी, बहुत से खराब लोग भी हैं, लेकिन खराब बहुत कम लोग हैं, अच्छे इंसान बहुत इस दुनिया में। इसलिए ईश्वर से उम्मीद रखें, क्योंकि वो बहुत बड़ा जादूगर है, वो बहुत बड़ा देने वाला है, वो परमपिता परमेश्वर रख सकता है। तो उस सत्ता से जुड़ें, वो सब काम आपके, कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा और कोई भी इन चीज़ों को आपको कभी जीवन में फेस नहीं करना होगा। अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय महाकाल।